अस्सलाम वालेकुम वीवर, सोनी के किचन में खुश आमदीद। आप भी हैरान होंगे कि सोनी के किचन आज किचन में नहीं है और ये हर तरफ आपको मैं अपने स्नो ब्लिज़र्ड का व्यू दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ कोलोराडो में इस वक्त टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड और जो है ये सुबह 5 बजे से स्नो स्टार्ट हुई है और एक्सपेक्टेड है कि ये जो स्नो है आगे शाम 5 बजे तक चलेगी। तो अभी तक तकरीबन 3 इंच तो स्नो पड़ चुकी है। आज बच्चों के स्कूल में डिले स्टार्ट था, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर पैडेड आईसी रोड्स हो जाती हैं तो मैंने आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। लेकिन इट्स बहुत ही खूबसूरत मंज़र है व्यूवर्स, हर चीज़ बर्फ़ में ढक चुकी है। सफ़ेद सड़क, सफ़ेद घर, सफ़ेद सफ़ेद हर तरफ, बिल्कुल विंटर वंडरलैंड लग रहा है। और मैं अपने बैकयार्ड से फ्रंट यार्ड में आई हूँ और ये मेरा घर, और मैं अब यहाँ से थोड़ा सा वॉक करती हूँ क्योंकि सर्दी इतनी है कि मेरे हाथ जम रहे हैं व्यूअर्स। सो स्नो जो है वो वंस इन अ वाइल तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आपको काम करना पड़ता है इस वेदर में और आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है तो हर चीज़ बहुत मुश्किल लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सोनी का किचन जितने मोहब्बतों से प्यार से देख रहे हैं और मुझे इनक्रेज कर रहे हैं, और आप लोगों की जो मुझे फीडबैक्स आ रही हैं वो बहुत इनक्रेजिंग है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें, सराहते रहें और मैं आपको अनोखे अनोखी नई नई मज़ेदार इजी रेसिपीज़ भी देती रहूँगी। सो व्यूअर्स, सर्दी 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 सर्दी, बर्फ़, स्नो। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना जो है वो थोड़ा सा सामने का हिस्सा स्नो साफ़ किया है और अभी मुझे स्नो शवल भी करना है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो काम पर गए हुए हैं, और अगर मैंने ये स्नो शाम तक साफ़ नहीं की तो रात को ये ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाती है, और ब्लैक आइस में जब ये कन्वर्ट होगी तो ये बहुत ज़्यादा जो है आइसी और स्लिपरी हो जाती है। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की भी ये छोटी सी क्लिप आपको पसंद आएगी। अभी मैं घर जाऊँगी तो गर्मा गर्म मैंने हॉट चॉकलेट बनाना है और उसके बाद इस वीडियो को अपना एंड करूँगी। तो आपको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा दिखाती चलूँ। एक ट्रक जो है वो यहाँ पर आ रहा है और ये देखें, ये मूविंग ट्रक है, और आईसी रोड में इवन बड़े बड़े ट्रक्स भी जो है वो बिल्कुल स्लिप हो जाते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाती हैं, तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का। सो मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को आज मैंने सोनी के किचन में फॉल कलर्स भी दिखाए आपको, आप लोगों को मैंने रेन भी दिखाया, थनक भी दिखाई, रेनबो भी दिखाई। मैं सोचा कि इधर स्नो को कैसे मिस कर सकती हूँ मैं, तो कोलोराडो डेनवर में मैं यहाँ पर स्नो जो होना, ब्लेजर्ड का आना एक नॉर्मल सी आम सी बात है। और अब मैं बहुत एहतियात से चल रही हूँ व्यूवर्स, क्योंकि ये आईसी भी हो सकता है और मैं स्लिप भी हो सकती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर चलते हैं, मज़े का गर्मा गर्म हम हॉट चॉकलेट का कप बनाते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलूंगी किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। टेक केयर, बाय।